हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन अक्षी एकेडमी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम 11th क्लास के फिजिक्स का जो चैप्टर फोर्थ है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। और चैप्टर फोर्थ में हम सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर लेंगे वो क्या होगा, हमारे पास स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज का। तो बच्चों, इसके साथ साथ ही जो चैप्टर थ्री के जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो मैंने स्टार्ट किया है न्यूमेरिकल सेशन, वो भी मैं साथ साथ कंटिन्यू करती रहूंगी और चैप्टर फोर्थ भी हम लेते रहेंगे। ओके, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। और बच्चों, अगर आप अभी मेरे इस चैनल पर न्यू आए हैं तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और कंटिन्यू वॉच भी कीजिएगा। तो बच्चों, आज चलिए अपना स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो सबसे पहले हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज का। तो आपने ध्यान होगा क्या कि जब हम स्टार्ट कर रहे थे अपना यूनिट एंड डायमेंशन वाला जो चैप्टर है, उसमें हमने कॉन्सेप्ट लिया था क्या, फिजिकल क्वांटिटीज का। क्या आपको याद है कि क्या होती है फिजिकल क्वांटिटीज? बिल्कुल याद है ना, बताइए जरा। द क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। यही कॉन्सेप्ट है ना, यानी कि जिस भी क्वांटिटी को आप मेजर कर सकते हो वो आपके पास क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी होती है। लेकिन अगर हम यहाँ पर एक कंडीशन ले, ब्रॉडली अगर हम इसको क्लासीफाई करें कि जो फिजिकल क्वांटिटी है उसके कितने टाइप्स होते हैं, तो हम यहाँ पर जो बेसिकली टू टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास होगा स्केलर क्वांटिटी और सेकंड हमारे पास होगा क्या, वेक्टर क्वांटिटी। लास्ट चैप्टर में आप काफी क्वांटिटीज के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आपको ध्यान है ना, हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट लाइक स्पीड और हमने वेलोसिटी, ये जो कॉन्सेप्ट है हमने लिए थे। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द पाथ। ओके, बट अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो हम यहाँ पर डेफिनेशन देते हैं, लेंथ ऑफ द पाथ बट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। यानी कि जब भी हम डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस करते थे तो हमें वहां डायरेक्शन की नीड होती है। बट व्हेन वी डिस्कस अबाउट द डिस्टेंस, जब हम डिस्टेंस को डिस्कस करते हैं, देन वी डोंट रिक्वायर डायरेक्शन। ओके, तो जब हमारे पास डायरेक्शन का रिक्वायरमेंट नहीं होता है तो वो जो क्वांटिटी होती है हम उसको क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। और जिस क्वांटिटी में हमें डायरेक्शन भी रिक्वायर होती है वो हमारे पास क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्लियर? तो मैं एक बार यहाँ पे आपको इसकी डेफिनेशन भी क्लियर करा देती हूँ स्केलर क्वांटिटी के लिए। सो द क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। ओके बच्चा, ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। जब हमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ओके, नो डायरेक्शन इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। हम इन्हें क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। ब्रीफली हम इन्हें स्केलर्स भी कहते हैं। ओके, दीज आर ब्रीफली कॉल्ड स्केलर्स। अब बच्चा, हम ये कॉन्सेप्ट यहां तक का तो जानते हैं, मतलब इतना तो हमें पता है कि जब हमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है तो हम उन क्वांटिटीज को क्या कहते हैं, स्केलर्स कहते हैं, यानी कि स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। बट जब हमारे पास कॉन्सेप्ट इसी टॉपिक का है तो हम ये डिस्कस भी करेंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टीज इनकी होती है। ओके, तो उसमें हमारे पास जो फर्स्ट नंबर की प्रॉपर्टी होती है तो हम यहाँ पर कहते हैं कि दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय ऑर्डिनरी लेटर्स, रिप्रेजेंटेड बाय ऑर्डिनरी लेटर्स। मतलब जो भी हमारे पास इंग्लिश में अल्फाबेट्स होते हैं, ऑर्डिनरी अल्फाबेट्स होते हैं, हम उनके थ्रू इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, एंड जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है वो हम यहाँ पर कहेंगे कि दीज ओबे रूल्स ऑफ एलजेब्रा। एलजेब्रा जो हमारे पास होती है, मैथ्स की जो ब्रांच होती है, लाइक एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इस तरह के फॉर्मूला हम मैथ्स की जिस ब्रांच में डिस्कस करते हैं वो हमारे पास होती है एलजेब्रा। तो वो जो भी रूल्स एलजेब्रा के होते हैं, एलजेब्रिक क्वांटिटीज के होते हैं, वो स्केलर क्वांटिटीज क्या करती है, फॉलो करती है। ओके, एंड नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है किसका,
वेक्टर क्वांटिटीज का। तो वेक्टर क्वांटिटीज की डेफिनेशन में आप क्या कहेंगे, द क्वांटिटीज विच हैव बोथ में कौन कौन आ जाएंगे हमारे पास, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। क्या कहलाएंगे फिर वो, इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। अब बच्चे कॉन्सेप्ट यहाँ पे हो गया कि जैसे आपके पास जो स्केलर क्वांटिटीज होती थी उनको आप ब्रीफली क्या कहते थे, दीज आर ब्रीफली कॉल्ड स्केलर्स, क्लियर। तो ऐसे ही आप इन्हें कहेंगे ब्रीफली क्या, वेक्टर्स। दीज आर ब्रीफली कॉल्ड वेक्टर्स। तो ये हमारे पास वेक्टर का कॉन्सेप्ट हो जाता है, क्लियर। अब यहाँ पे तो हम इन्हें किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑर्डिनरी लेटर्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, बट यहाँ पर हम इन्हें ऑर्डिनरी लेटर्स के थ्रू रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो आपके पास यहाँ पे कॉन्सेप्ट होगा, दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय बोल्ड फेस्ड लेटर्स, बोल्ड। ओके, जो भी आपका लेटर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए। लाइक जैसे एक सिंपल ऑर्डिनरी लेटर में तो हम क्या करते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, लाइक वी को लिख दिया आपने, नॉर्मल वी। ओके, बट यहाँ पे आप जो वी तो लिख ही रहे हैं उसको आप क्या करेंगे, बोल्ड कर देंगे। ओके, ये लीजिए, नाउ दिस इज बोल्ड फेस्ड लेटर। या तो आप इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, या और लेटर्स हैविंग एरो ओवर देम, यानी कि सिंपल ऑर्डिनरी लेटर बनाइए और उनके ऊपर क्या लगा दीजिए, एरो लगा दीजिए। तो आप इस तरीके से इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर हुआ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है, दीज ऑब्वे रूल्स ऑफ एलजेब्रा। बट यहाँ पे जो वेक्टर क्वांटिटीज होती है, यहाँ पे देखो डायरेक्शन भी चाहिए, सो दीज डोंट फॉलो द रूल्स ऑफ एलजेब्रा। यहाँ पे रूल्स जो भी फॉलो करते हैं वो किसके करते हैं, वेक्टर्स के ही करते हैं, यानी कि वेक्टर एडिशन। तो आप यहाँ पर लिखेंगे दे फॉलो रूल्स ऑफ वेक्टर एडिशन। अब वेक्टर एडिशन क्या होता है, इस चैप्टर में हम उसे भी डीपली डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम वेक्टर क्वांटिटीज को एड कर सकते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास मैंने फिलहाल आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट यानी कि एक डेफिनेशन बता दी है किसकी, स्केलर्स की और वेक्टर्स की। आप एक बार इन्हें नोट कर लीजिए, देन अब हम डिस्कस करते हैं इनके डिफरेंस को। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज के कॉन्सेप्ट के बाद अब हमारे पास जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है वो आता है डिफरेंस का, कि इन दोनों क्वांटिटीज में क्या डिफरेंस है। तो जो डिफरेंस है वो मैंने यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में नोट कर दिए हैं, मैं आपको इनको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे कि स्केलर क्वांटिटीज में हम क्या डिस्कस करते हैं कि दीज हैव ओनली मैग्नीट्यूड, कि इनके पास क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। बट अबाउट वेक्टर्स, दीज हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। ये तो हो गया हमारे पास फर्स्ट डिफरेंस। फिर अगर हम सेकेंड डिफरेंस की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो जैसे कि हमने कहा कि जो स्केलर्स होती है उनमें क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है। अगर इस मैग्नीट्यूड की वैल्यू चेंज हो जाए तो फिर आपके जो स्केलर होता है उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। सो कॉन्सेप्ट हुआ कि दीज चेंज इफ मैग्नीट्यूड चेंजेस, अगर मैग्नीट्यूड चेंज होता है तो स्केलर्स जो होते हैं वो भी चेंज हो जाते हैं। बट यहाँ पर अगर हम वेक्टर्स में देखें तो वेक्टर्स में तो मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ साथ में डायरेक्शन भी होती है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है कि चाहे मैग्नीट्यूड चेंज हो, चाहे आपकी डायरेक्शन चेंज हो, या फिर अगर दोनों ही चेंज हो जाए, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहे हैं और डायरेक्शन भी चेंज हो रहे हैं, इन तीनों में से कोई भी वहां पे पॉसिबिलिटी हो तो आपका पूरा जो वेक्टर होता है उसकी वैल्यू भी चेंज हो जाती है। ओके, सो दिस चेंज इफ आइदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ चेंज। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो किसका,
कि ये जो स्केलर्स होते हैं ये कौन से रूल को फॉलो करते हैं, एल्जेब्रिक रूल को। सो दीज ऑब्वियस द ऑर्डिनरी लॉज ऑफ एल्जेब्रा, हमारा थर्ड डिफरेंस हुआ। इसके बाद नेक्स्ट, आप इन्हें रिप्रेजेंट कैसे करते हो, बाय ऑर्डिनरी लेटर्स। बट अगर आप बात करेंगे वेक्टर्स की तो आप इन्हें किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, बाय बोल्ड फेस्ड लेटर्स या फिर लेटर्स हैविंग एरो ओवर देम। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट हुआ, क्लियर बच्चा। तो आपके पास जो स्केलर्स और वेक्टर्स के बीच में जो डिफरेंस है, इसका भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है, वन मार्क या टू मार्क में। कई बार ऐसे कि वन डिफरेंस बताइए या फिर टू डिफरेंस बताइए, इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है, क्लियर। नेक्स्ट, अब हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट लेते हैं कि व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ स्केलर्स एंड वेक्टर्स। तो यहाँ पे मैंने आपको मेंशन कर दिए हैं स्केलर्स लाइक डिस्टेंस। डिस्टेंस में आपको डायरेक्शन नहीं चाहिए होता है, और अगर डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं चाहिए होता है तो स्पीड जब कैलकुलेट करोगे तो वो क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो दैट मीन्स स्पीड में भी डायरेक्शन नहीं चाहिए, ओके। और टाइम, टाइम में भी कोई डायरेक्शन आपको नहीं चाहिए होती है। वर्क एंड वॉल्यूम, दीज ऑल्सो आर स्केलर्स, हमें इनमें डायरेक्शन नहीं चाहिए होती है। एंड सिमिलरली अगर हम वेक्टर्स क्वांटिटी के एग्जांपल की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास सबसे पहले आता है, ओके। डिस्टेंस के बाद क्या हो जाता है, वेलोसिटी हो जाती है, फोर्स हो जाता है, मोमेंटम हो जाता है, या फिर आप अगर कहें एक्सेलरेशन हो जाता है, या फिर एंगुलर मोमेंटम या एंगुलर वेलोसिटी। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर्स, क्लियर। अब स्केलर्स और वेक्टर्स का तो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक बात बताइए, अगर कोई क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो वेक्टर ना हो, सोचो, इज इट पॉसिबल। तो यहाँ पे मैं आपको कॉन्सेप्ट दूंगी बच्चा कि आपके पास अगर कोई क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो जो भी मैंने पढ़ाया अभी तक उसके अकॉर्डिंग तो आप कहोगे कि मैम इट मस्ट बी वेक्टर, ये वेक्टर होनी चाहिए। बट मैं फिर भी आपसे कहूंगी कि इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू, हमेशा ऐसा नहीं होता है, वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है। वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, इट मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ वेक्टर्स ऑल्सो। यानी कि जो भी हमारे पास क्वांटिटी है, बशर्ते उसमें डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, बट इफ इट डोंट फॉलो द रूल्स ऑफ वेक्टर देन स्टिल इट इज नॉट वेक्टर क्वांटिटी, इट इज स्केलर क्वांटिटी। एग्जाम्पल, चलो आप सोचो इतने की, क्या आपको कुछ ऐसा एग्जाम्पल पता है, इतने में इसकी डेफिनेशन नोट करती हूँ। सो यहाँ पे हम रिमार्क डालकर इस ऑप्शन को लिखेंगे, द क्वांटिटी विच हैव बोथ, कौन कौन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इज नॉट नेसेसरली वेक्टर। कि ये वेक्टर क्वांटिटी हो ये हमारे पास जरूरी नहीं है। फॉर इट टू बी वेक्टर, इसको वेक्टर होने के लिए क्या होना चाहिए, फॉर टू बी अ वेक्टर इट मस्ट फॉलो रूल्स ऑफ वेक्टर ऑल्सो। तो बच्चों आपने एग्जाम्पल सोच लिया, याद आया कुछ, चलिए क्लियर करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, आपने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा है ना, इलेक्ट्रिक करंट के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, आपने देखा है 10th क्लास में कि जब आप इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ रहे थे तो वहां पे इस तरीके से आपके पास फिगर होता था, ठीक है, आपको ध्यान है ये, चलो मैं बना देती हूँ, याद आ जाएगा आपको कुछ, ध्यान होगा कि जब आपके पास इस तरह का सर्किट होता था उसमें करंट की आप डायरेक्शन जो दिखाते थे वो इस तरीके से दिखाते थे, है ना, कि करंट ऐसे पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट हुई और यहाँ पे आपकी एंटर कर गई यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल तक, यानी कि करंट जो है वो एक डायरेक्शन को फॉलो कर रही है, और स्टिल करंट के अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है, सो इट मस्ट बी अ वेक्टर क्वांटिटी, बट इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। व्हाई, बिकॉज इट डजंट फॉलो द रूल्स ऑफ वेक्टर्स, यानी कि ये वेक्टर्स के रूल्स को फॉलो नहीं करती है। तो ये किसके रूल्स को फॉलो करती है, इट फॉलोज द रूल्स ऑफ एल्जेब्रा, ये एल्जेब्रा के रूल्स को फॉलो करती है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगी तो फिर आप इसे क्या कहेंगे, स्केलर क्वांटिटी कहेंगे, ओके। सो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो आपके पास एक एग्जाम्पल है इस तरह का, और ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, ओके।
और अगर मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसा एग्जांपल आ जाए कि ऐसी क्वांटिटी जो ना तो स्केलर हो और ना ही क्या हो वेक्टर हो, तो वो क्या होगी? भाई पॉसिबल है, ये भी सिचुएशन पॉसिबल है कि कोई क्वांटिटी स्केलर भी नहीं है और वेक्टर भी नहीं है, फिर वो किस टाइप में आती है? सो हम उसको कहते हैं यहाँ पर टेंसर क्वांटिटी। क्लियर हुआ? तो ये आपके पास फर्स्ट पॉइंट है रिमार्क का। सेकेंड पॉइंट होगा, इफ ए क्वांटिटी इज नीदर अ स्केलर नॉर ए वेक्टर इज कॉल्ड टेंसर। ये क्या कहलाती है? टेंसर क्वांटिटी कहलाती है। यहां अंडरलाइन कर देती हूं, जो टेंसर क्वांटिटीज आपके पास होती है उनकी खुद की कोई डायरेक्शन नहीं होती है। सो आप यहां पर कह सकते हो इट हैज नो स्पेसिफाइड डायरेक्शन, इसकी खुद की डायरेक्शन तो नहीं होती है, बट इट कैन हैव डिफरेंट वैल्यूज। तो इसकी खुद की तो कोई डायरेक्शन नहीं होती है, ओके? इट हैज नो इट्स स्पेसिफाइड डायरेक्शन, बट इट कैन हैव डिफरेंट वैल्यूज एट डिफरेंट डायरेक्शन। मतलब इस डायरेक्शन में कुछ और वैल्यू होगी, इस डायरेक्शन में कुछ और वैल्यू होगी, या किसी भी डायरेक्शन में कुछ भी वैल्यू हो सकती है, ओके? सो इट कैन हैव डिफरेंट वैल्यूज इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो इस तरह की जो आपके पास क्वांटिटीज होती है उसके एग्जांपल में हम यहां पर लेते हैं क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चा आपका 11th क्लास में फिजिक्स में ही टॉपिक है, वो आपको जो फर्दर जो चैप्टर्स आएंगे उनमें मैं आपको अच्छे से डिटेल से क्लियर करा दूंगी। एंड नेक्स्ट आप एक एग्जांपल और ले सकते हो इसमें, स्ट्रेस। स्ट्रेस आपको पता है ना क्या होता है, कि फोर्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया के जो एरिया होता है हमारे पास, अगर वो यूनिट एरिया होता है तो उसमें जितना भी फोर्स वर्क कर रहा होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है? स्ट्रेस कहलाता है। क्लियर हुआ? तो यहां पर आप एक बार ये नोट कर लीजिए रिमार्क पॉइंट्स को। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं क्या, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, कि हम किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ हाउ डू वी रिप्रेजेंट अ वेक्टर क्वांटिटी? सो यहां पर हम मेंशन करेंगे इसके सारे पॉइंट्स। अ वेक्टर क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय ए लाइन, ओके? हम इसे एक लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। हैविंग एरो हेड, जिस पर एक एरो लगा हुआ होता है। और जो भी हमने अभी पहले भी डिस्कस किया था, अभी भी क्या, कि जो भी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है वो कैसे रिप्रेजेंट की जाती है? बाय बोल्ड फेस्ड लेटर। अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड by bold faced letter or ordinary letters, ठीक है, having arrow over them, उनके ऊपर क्या होना चाहिए? arrow होना चाहिए। तो यहां पर हम क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं कि एक वेक्टर क्वांटिटी है हमारे पास a, ठीक है, हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, इस तरीके से एरो का साइन लगा के। आप इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर बोल्ड फेस्ड लेटर, जैसे कि हमने अभी भी बोला। तो बोल्ड फेस्ड लेटर आप इस तरीके से बनाएंगे, इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करेंगे, ओके? अब हम एक काम करते हैं कि एक एग्जांपल लेते हैं, कैसे कि लेट ए वेक्टर ए is represented by a directed line PQ। directed line हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस line के through हम बता पा रहे हैं कि जो आपकी direction है वो कहाँ पे है।
सो ये हमने यहाँ पे एक पीक्यू जो है लाइन ले ली है, डायरेक्टेड लाइन है, दैट मीन्स डायरेक्शन भी बताएगी, तो ये आपके पास डायरेक्शन के लिए एरो लगा दिया गया है, क्लियर है। अब इसमें आप देखिए कि ये जो आपके पास है लाइन, ये इतनी लंबी है, तो यहाँ पर मेन कॉन्सेप्ट क्या है, तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमारे पास आ जाता है क्या कि जो भी इस लाइन की लेंथ होती है, ओके, लेंथ ऑफ द लाइन, ये क्या किसको रिप्रेजेंट करती है, भाई जितनी लंबी लेंथ होगी ना उतना ही ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा, अगर लेंथ कम है दैट मीन्स मैग्नीट्यूड स्मॉल है, और लेंथ ज्यादा है मतलब मैग्नीट्यूड ज्यादा है। सो लेंथ ऑफ द लाइन ये क्या करती है, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है, ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, इसे हम मैग्नीट्यूड भी कहते हैं या फिर हम इसे मॉड्यूलस भी बोलते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर क्या है तो आप बताएंगे कि दैट इज द मैग्नीट्यूड, वो हमारे पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, और हम उसे लेंथ से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब हमारी लाइन की लेंथ होती है, क्लियर हुआ, लेंथ ऑफ लाइन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। मैग्नीट्यूड तो हमारे पास हो जाता है, अब मैग्नीट्यूड के बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है क्या, डायरेक्शन का, तो जो भी हमारे पास एरो की डायरेक्शन होती है वही हमारे वेक्टर की भी डायरेक्शन होती है। सो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे कि डायरेक्शन ऑफ एरो रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, ये हमारे वेक्टर की भी डायरेक्शन होगी। अगर एरो की डायरेक्शन इस तरफ है तो मतलब हमारे वेक्टर की डायरेक्शन भी इस तरफ है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास एक P पॉइंट होता है और एक क्या होता है, Q पॉइंट होता है, क्लियर। P पॉइंट जहां से हमारा वेक्टर स्टार्ट कर रहा है, तो आप इस पॉइंट को बोलते हैं टेल, या फिर हम इसको नेम देते हैं इनिशियल पॉइंट, ठीक है, इनिशियल पॉइंट भी हम इसको कह सकते हैं, या फिर हम इसको बोल सकते हैं क्या, ओरिजिन ऑफ वेक्टर। ओरिजिन पता है ना क्या होता है, जहां से स्टार्टिंग होती है, तो हमारे वेक्टर की यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है, सो हम इसको क्या बोलेंगे, ओरिजिन ऑफ वेक्टर। सो इसको यहाँ पे मेंशन करेंगे द पॉइंट पी फ्रॉम वेयर द एरो स्टार्ट्स, जहां से हमारा एरो जो है वो स्टार्ट होता है, इज कॉल्ड टेल, आप इसे टेल कहते हैं या फिर आप इसे बोलते हैं इनिशियल पॉइंट या फिर ओरिजिन ऑफ वेक्टर। और इसके बाद हमारे पास होता है क्यू पॉइंट, जैसे ये टेल होता है मतलब ये एरो स्टार्ट हुआ तो हमें इसकी टेल दिख रही है, तो वो पॉइंट हमारे लिए क्या होगा, हेड होगा, ओके। सो ये पॉइंट आपके लिए हो जाता है हेड, या फिर आप इसको बोलते हैं जैसे यहाँ पे इनिशियल पॉइंट है तो ये कौन सा पॉइंट हो जाता है, टर्मिनल पॉइंट, यानी कि जहां पे जाके हमारा एरो जो है वो स्टॉप हो जाता है, टर्मिनल पॉइंट। अब एरो स्टॉप हो जाता है तो हमारा वेक्टर का भी एंड पॉइंट होता है ये, सो टर्मिनल ऑफ वेक्टर, ये हमारा क्यू पॉइंट होता है, क्लियर। आप इसको पी क्यू ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, और जो इसकी लेंथ होती है वो हमारे पास क्या हो जाती है, मैग्नीट्यूड, जैसे कि हमने अभी अभी बताया आपको पहले भी, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसके लिए मेंशन करेंगे क्या, द पॉइंट क्यू, क्यू पॉइंट, ओके, वेयर द एरो एंड्स, जहां पे जाके हमारा एरो जो है वो स्टॉप हो जाता है, ओके, एरो एंड्स इज कॉल्ड हेड, और टर्मिनल पॉइंट और टर्मिनस ऑफ वेक्टर। तो यहां पर मैंने आपको क्लियर किया है कि आप वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जिसके लिए हमने इस फिगर की हेल्प ली है। और इसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं क्या, हमने यहाँ पे एक पॉइंट, एक वर्ड पढ़ा है नया, क्या, मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर। तो इसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर को और काइंड्स ऑफ वेक्टर्स। तो मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर क्या होता है, जैसा कि अभी भी हमने डिस्कस किया था कि मैग्नीट्यूड जो भी हमारे पास होता है, ओके, सो द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी इज नोन एज मॉड्यूलस,
हम उसे क्या कहते हैं, मॉड्यूलस कहते हैं। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए और लाइक दिस। यानी कि जो भी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है, देखो आप सिर्फ ए लिखोगे तो आप मैग्नीट्यूड की बात करते हो जैसे स्केलर क्वांटिटी में करते हैं, लेकिन जब आप वेक्टर लगा देते हो और वेक्टर के दोनों तरफ ना ऐसे एक सिंबल यूज करते हो तो उसे हम बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर। तो इट मीन्स आप ये कहेंगे कि आपके पास जो मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर है वो क्या है, मैग्नीट्यूड के इक्वल है। क्लियर? तो आप किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बताइए। वेक्टर क्वांटिटी जो होती है उसमें तो आप मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों लेते हैं। कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस बताइए, सोचिए। चलिए देखिए, वेक्टर ए ऐसे ही करते हैं ना, तो वेक्टर ए में हमने ये कह दिया कि ए जो है वो हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं एन कैप। ये हमारे पास क्या होता है, एन कैप। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वेयर एन कैप। ये क्या करता है, इट रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। ये हमारे जो डायरेक्शन होती है ना वेक्टर की, उसको रिप्रेजेंट करता है। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, समझ में आ गया ना मॉड्यूलस। अब मॉड्यूलस के बाद हमारे पास जो हमने वेक्टर क्वांटिटी जो हमने पढ़ी है, ब्रॉडली अगर हम डिस्कस करें तो उसके हमारे पास टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप हमारे पास हो जाता है पोलर वेक्टर, और सेकंड हमारे पास होता है एक्सियल वेक्टर। पोलर वेक्टर हमारे पास वो होते हैं जिनकी डायरेक्शन हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है ना उनकी ही डायरेक्शन के अलोंग होती है। ओके, यानी कि आप ये कह सकते हो जो आपके लीनियर डायरेक्शनल इफेक्ट को फॉलो करते हैं। सो वी कैन राइट एसोसिएटेड विथ लीनियर डायरेक्शनल इफेक्ट। ये हमारे पास लीनियर डायरेक्शनल इफेक्ट के साथ जो एसोसिएटेड होते हैं वही क्या होते हैं, पोलर वेक्टर्स होते हैं। सो हम यहाँ पर कह सकते हैं क्या कि इनकी जो डायरेक्शन होती है वो कैसी होती है, आपके ऑब्जेक्ट के मोशन की ही डायरेक्शन होती है। द डायरेक्शन ऑफ दीज वेक्टर्स आर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट लाइक दिस, कि ऐसे ही होती है। ठीक है, आपका अगर यहाँ पे मूवमेंट कर रहा है तो इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, आपका वेक्टर भी यही है और आपके पार्टिकल की भी डायरेक्शन यही है। तो इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, जो भी आपकी लीनियर मोशन होगी ना वो आपका इसका एग्जांपल हो जाएगी। लेकिन एक्सियल वेक्टर, एक्सियल वेक्टर में ये लीनियर डायरेक्शनल इफेक्ट को फॉलो नहीं करते हैं, तो मतलब ये घूमेंगे, रोटेशन करेंगे। सो वी कैन से दीज आर एसोसिएटेड विद रोटेशन। या फिर आप क्या कहेंगे कि इनकी जो डायरेक्शन होती है, वेक्टर्स हुज डायरेक्शन आर अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे कि मान लीजिए कि कोई पार्टिकल जो है वो इस तरीके से रोटेशन कर रहा है, ओके, लाइक ऐसे चक्कर काटता जा रहा है। अब मान लीजिए ये अगर पेन है तो वो चक्कर कैसे काट रहा है, ऐसे, दिस वन लाइक दिस। तो ये चक्कर कहाँ काट रहा है, इस पेन के चारों तरफ, है ना, इस पेन के चारों तरफ ये चक्कर काट रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो ये जो पेन है ये क्या है, इसका रोटेशनल एक्सिस है। सो रोटेशनल एक्सिस यानी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो जो भी हमारे पास पार्टिकल होता है ये हमारे पास उसका क्या हो जाता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाता है। और अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो आप इसी एरो के थ्रू किसको रिप्रेजेंट करेंगे, एक्सियल वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट हो जाता है किसका, एक्सियल वेक्टर का।
और ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है किसका, पोलर वेक्टर का। आप पोलर वेक्टर को लीनियर मोशन के साथ एसोसिएट करते हैं और एक्सियल को आप रोटेशनल मोशन के साथ एसोसिएट करते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको जो चैप्टर फोर्थ का जो इंट्रो पोर्शन है, इंट्रो पोर्शन दैट मीन स्केलर्स और वेक्टर्स क्वांटिटीज का बेसिक कॉन्सेप्ट, वो मैंने आपको क्लियर करा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या टाइप्स ऑफ वेक्टर्स को, यानी कि जो वेक्टर्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या उनके लिए टर्म्स होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।